तो गाइज उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बिल्कुल आप समझ भी गए होंगे किस तरह से हम परफेक्ट क्वालिटी में व्हाट्सएप इमेजेस सेंड कर पाएं किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम गाइज, दिस इज मुजम्मिल एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मुजम्मिल सुमरो। गाइज व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे दादी हो चाहे दादा हो, या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप को हम वीडियो कॉल के लिए यूज़ करते हैं, किसी को पिक्चर सेंड करनी हो, किसी को वीडियो सेंड करनी हो, या किसी को वॉइस कॉल पर बात करनी हो, किसी को चैटिंग करनी हो, तो सभी व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे होते हैं। और आपने एक व्हाट्सएप में ज़रूर बात नोट की होगी, व्हाट्सएप पर अगर हम किसी को इमेज भेज रहे होते हैं या किसी को वीडियो सेंड कर रहे होते हैं तो उसकी जो पिक्चर या वीडियो की क्वालिटी है वो लेवल में चली जाती है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम वीडियो की क्वालिटी या पिक्चर की क्वालिटी एग्जैक्ट क्वालिटी में उसको सेंड कर पाए और एग्जैक्ट क्वालिटी में वो उसको डाउनलोड भी कर पाए। तो विदाउट टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो विदाउट टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूं मोबाइल की स्क्रीन के साइड, और जो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो कुछ अलग लेवल की होगी, मतलब कुछ डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं साइड। सो फाइनली गाइस हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से प्रॉपरली तरीके से अपनी जो वीडियो की वीडियो है या फोटो है परफेक्ट क्वालिटी में किसी को भी सेंड कर सकते हैं। वो बंदा सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पिन का ऑप्शन दिख रहा है, पहले मैं नॉर्मली सेंड करके दिखाता हूँ कि किस तरह उसकी पिक्चर की क्वालिटी लो लेवल में चली जाती है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है मेरी, ये 5 MB के करीब है, ठीक है। मैं इसको सेंड करता हूँ और ये चली गई, सेंड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं वो पिक्चर सेंड करता हूँ जो हम अपने तरीके से करेंगे। तो पिन के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चले जाना है, ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिस पिक्चर को आपको सेंड करना है, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ नेचुरल हाउस ब्रांडिंग, ठीक है ना। ये रही वो पिक्चर, सेंड, ठीक है। अब ये जेपेज में मैंने डॉक्यूमेंट साइड से गई है, ये मैंने नॉर्मली सेंड की है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो सेंड होने देते हैं इसको। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे हमने पिक्चर सेंड की हैं दोनों तरीके से वो किस किस क्वालिटी में गई हैं। तो मैं खोल देता हूँ हमने मोबाइल का कैमरा, यही जो मतलब दिखती है ना इस तरह से ही मैं करके दिखाने वाला था, तभी मैं कह रहा था कि ये रिकॉर्डिंग स्पेशल होने वाली है, ठीक है। हम पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, ये मैंने जो नॉर्मल तरीके से हम सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 डॉट पर क्लिक करके व्यू इन गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कितने MB की है, 115 KB की, ठीक है। 6 MB की पिक्चर 115 KB में चली गई, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाली पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी आपको दिखाता हूँ डिटेल, 5.22 MB देख सकते हैं गाइस किस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो का भी कुछ इसी तरीके से है, वीडियो भी आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से, ठीक है। व्हाट्सएप आपको दोबारा से व्हाट्सएप में चले जाना है, ठीक है। व्हाट्सएप में जाने के बाद ये पिन के ऑप्शन में क्लिक करना है, पिन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट में चले जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन कि आप क्या सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इमेज, आइडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट। तो वीडियो भी कभी कुछ इस तरह का है, अब मैं 11.11 MB वाली ये भेजूँगा तो आप इस तरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और बिल्कुल आप समझ भी गए होंगे किस तरह से हम परफेक्ट क्वालिटी में व्हाट्सएप इमेजेस सेंड कर पाएं किसी को भी। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर क्या रहे थे, कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर हम अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हर रोज़। मतलब आपको हर रोज़ शाम के 2 या 3 बजे के करीब आपको वीडियो मिलती रहती है। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन को ऑल पे सेट करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय। बस इतना ही था, बाय बाय, पीस।